हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में 10 सितंबर 2019 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हम लोग कवर करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन है, इंडिया इज गिविंग $1 बिलियन टू विच कंट्री एज अ फाइनेंस असिस्टेंस। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत $1 बिलियन फाइनेंस असिस्टेंस के तौर पर किस कंट्री को दे रहा है। भारत $1 बिलियन देगा रशिया को। यहां पर सोचने वाली बात यह है, आप लोगों के दिमाग में ये होगा कि भारत इस टाइम खुद ही फाइनेंशियल क्राइसिस से जूझ रहा है। भारत का जो रुपया है ये डे बाय डे कम होता जा रहा है, जीडीपी हमारा खिसक के 5% पर आ चुका है। तो ऐसी स्थिति में यूएस यहां पर $1 बिलियन भारत रशिया को कैसे दे पा रहा है, या फिर दे रहा है तो क्यों दे रहा है, इसके पीछे भारत का कोई फायदा है या फिर ऐसा क्यों हो रहा है, इसका एक प्योर एनालिसिस मैं लेकर आ रहा हूं। तो ध्यान रखिए, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो, ताकि बहुत ही जल्द इसका वीडियो मैं कल तक हो सकता है आपको दे दूं कि भारत ये जो $1 बिलियन दे रहा है रशिया को, इसके पीछे क्या क्या सिनेरियोज हो सकते हैं, भारत का घाटा हो सकता है क्या, फिर भारत का फायदा होगा, क्योंकि इस चीज को नॉर्मल जो जनता है भारत की वो क्रिटिसाइज कर रही है। ऑब्वियसली ऑपोजिशन तो क्रिटिसाइज करेगा ही इस चीज को, लेकिन बीइंग ए इंटेलेक्चुअल हम सभी को इस बारे में जानना होगा और इसका एनालिसिस करना चाहिए कि इसके पीछे सिनेरियो क्या है। देखो, कोई भी गवर्नमेंट है और दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है लगभग हम, तो सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते अगर इस सिचुएशन पर भी अगर हम $1 बिलियन दे रहे हैं तो उसके पीछे कोई वजह होनी चाहिए। शायद कोई वजह हो या फिर ना हो, इस वीडियो में आपको पता लग जाएगा कि इसके पीछे क्या क्या वजह है और पूरा एनालिसिस मैं आपके सामने लाकर रख दूंगा। ओके, तो रशिया को देगा भारत $1 बिलियन और रशिया में सरकार किसकी है, यहां पर सरकार चल रही है व्लादिमीर पुतिन की। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने कोट्टे और कोलंबो, मालदीव्स की कैपिटल है माले। ध्यान रखिएगा, कुछ टाइम पहले माले में फाइनेंशियल क्राइसिस आई थी, तब भारत ने $3.5 मिलियन दिए थे, तो वो $3.5 मिलियन थे, ये $1 बिलियन है। ओके, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया हैज पार्टिसिपेटेड इन 84th एडिशन ऑफ थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर। थेसालोनिकी इज अ सिटी ऑफ विच कंट्री। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत ने 84वें एडिशन थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर में पार्टिसिपेट किया। तो ये जो थेसालोनिकी है ये कौन सी कंट्री का शहर है? थेसालोनिकी एक शहर है ग्रीस का, और ग्रीस की कैपिटल क्या है? ग्रीस की कैपिटल है एथेंस। पपुआ न्यू गिनी की कैपिटल है पोर्ट मोर्सवे, इजिप्ट की कैपिटल है कायरो और इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। तो ग्रीस में थेसालोनिकी इंटरनेशनल फेयर हुआ जिसमें भारत ने पार्ट लिया। यहां पर आपको एक और बात बता दूं, भारत को यहां पर सम्मानित भी किया गया। भारत की तरफ से हमारे एचआरडी मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी ने यहां पर पार्ट लिया है। ओके, और एक चीज यहां पर और ध्यान रखनी है आपको कि भारत को सम्मानित क्यों किया गया है। भारत 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचने वाला है 2025 में, तो इस वजह से भारत को सम्मानित किया गया है। ये कुछ ही ऐसे कंट्री हैं वर्ल्ड में जो कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी अचीव कर पाएंगे, तो इस वजह से भारत को यहां पर सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडो जर्मन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस आंगन हैज बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? आंगन। आंगन नाम की इंडो जर्मन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस अभी हाल ही में कौन से शहर में हुई? ये हुई भारत की कैपिटल नई दिल्ली में। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसमें भारत और जर्मनी ने पार्ट लिया। ये जो कॉन्फ्रेंस हुई इसका मेन मोटो क्या है? इसका मोटो है एनर्जी एफिशिएंसी। तो दोनों कंट्री आपस में एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर काम करेंगे और ये कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक चलेगी, 3 डेज कॉन्फ्रेंस है। और जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया हैज साइंड अ लोन पैक्ट ऑफ $200 मिलियन विद विच ऑर्गेनाइजेशन फॉर द रूरल रोड्स डेवलपमेंट ऑफ महाराष्ट्र। क्वेश्चन का मतलब यह है कि भारत ने अभी हाल ही में $200 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया है किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ। ये ऑर्गेनाइजेशन भारत को $200 मिलियन देगी ताकि महाराष्ट्र में रूरल रोड्स डेवलपमेंट हो सके। तो ये है एशियन डेवलपमेंट बैंक, भारत की मदद कर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है मंडालयोंग मनीला, एंड मनीला कहाँ की कैपिटल है? मनीला इज द कैपिटल ऑफ फिलीपींस। IMF का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर भी वॉशिंगटन DC है, और AIIB का हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना की कैपिटल। यहां पर आपको एक और चीज ध्यान रखनी है कि महाराष्ट्र में जो अब रोड्स बनेंगी ये रोड्स सभी वेदर्स के लिए क्लासिफाइड होंगी।
मतलब कि इस तरीके की रोड पहली बार भारत में बनाई जाएंगी जो कि किसी भी तरीके के वेदर को अडॉप्ट कर सकती हैं। ओके, दूसरी चीज आपको यह भी ध्यान रखना है कितने किलोमीटर की रोड बनेगी। ये 2100 किलोमीटर रोड का पूरा प्रोजेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज वॉन मेंस सिंगल्स यूएस ओपन टेनिस टाइटल 2019। 2019 का यूएस ओपन अभी हाल ही में किसने जीता है? 2019 का यूएस ओपन जीता है सर्बिया के खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने। नोवाक जोकोविच इस टाइम पर नंबर वन रैंक पर है एज अ प्रोफेशनल टेनिस प्लेयर। सो नोवाक जोकोविच इज द करेक्ट आंसर। ही हैज वॉन यूएस ओपन टेनिस टाइटल 2019। क्या आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हो कि यूएस ओपन टेनिस टाइटल जो 2019 का हुआ है इसका मेन वेन्यू क्या था? नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली 24th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस हैज बीन स्टार्टेड इन विस सिटी। अभी हाल ही में 24वां एडिशन, 24वां संस्करण वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का कौन से शहर में स्टार्ट हुआ? ये हुआ अबू धाबी में स्टार्ट। एंड अबू धाबी इज द कैपिटल ऑफ, अबू धाबी किसकी कैपिटल है? ये कैपिटल है यूएई की। ओके, नई दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान एंड कोलंबो इज द कैपिटल ऑफ श्रीलंका। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस का 24वां संस्करण हुआ यूएई की कैपिटल अबू धाबी में और इसकी थीम थी एनर्जी फॉर प्रोस्पेरिटी। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम नरेंद्र मोदी इज गोइंग टू लॉन्च किसान मनधन योजना ऑन विस डेट। पीएम नरेंद्र मोदी लॉन्च करने जा रहे हैं किसान मनधन योजना किस डेट को? तो ये लॉन्च होगी कल, मतलब 12 सितंबर को। 12th सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी झारखंड जा रहे हैं, झारखंड से इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करेंगे। अब ये इसको समझ लो पहले, किसान मनधन योजना है क्या? किसान मनधन योजना के तहत पूरे देश भर के 5 करोड़ किसानों को इसका फायदा मिलेगा। पहली बात, इन 5 करोड़ किसानों को पेंशन मिलेगी 3,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से। अब दूसरी चीज, यहां पर एक और क्लॉज है, ये सारे किसान 60 साल की उम्र से ज्यादा के होंगे। ठीक है, ऐसे किसान जिनकी उम्र 60 साल से ज्यादा है और उसके लिए एलिजिबल होंगे, जो कि बीपीएल के नीचे आते होंगे, उन्हें 3,000 पर मंथ देगी भारत सरकार एज अ किसान मनधन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द, यहां पर मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये मत भूलना कि किसान मनधन योजना को कहां से लॉन्च किया जा रहा है, इसको झारखंड से लॉन्च किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फर्स्ट एडिशन ऑफ एससीओ कॉन्फ्रेंस ऑन मिलिट्री मेडिसिन। इस तरीके की पहली कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसका नाम है मिलिट्री मेडिसिन कॉन्फ्रेंस। ये पहला एडिशन इसका हो रहा है। इसको कौन सा कंट्री होस्ट कर रहा है? इसको होस्ट कर रहा है भारत, और भारत की नई दिल्ली में ये होगा। ये कब से है? ये कल से स्टार्ट है और डे आफ्टर टुमारो तक चलेगा, मतलब 12 से 13 सितंबर तक ये चलेगा। भारत इसको होस्ट कर रहा है। इसकी खास बात आपको बता दूं, इसकी खास बात यह है कि पहली बार इस चीज पर ध्यान दिया जा रहा है कि अब आपस में मिलिट्री एक्सरसाइज ऐसी भी होंगी जो कि आपस में मिलिट्रीज मेडिसिन कैरिकुलम को भी शेयर करेंगे। मिलिट्रीज जो मेडिसिन यूज करती हैं उन मेडिसिन का भी आदान प्रदान होगा और वो आइडियाज भी दो कंट्रीज आपस में शेयर करेंगे। तो ये इसका मेन मोटो है। और एससीओ का मतलब क्या है? एससीओ का मतलब है संघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच टेलीस्कोप टीम हैज वॉन द ऑस्कर्स ऑफ साइंस 2020। मैंने आपसे पिछले वीडियो में, 8 सितंबर के वीडियो में, ये क्वेश्चन भी पूछा था कि अभी हाल ही में ये कौन सी टेलीस्कोप टीम है जिसने ऑस्कर ऑफ साइंस 2020 अवार्ड जीता है। ये है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। आप सभी ने आंसर भी किया हुआ है, सभी का आंसर बिल्कुल करेक्ट है। और इस टेलीस्कोप टीम को सम्मानित क्यों किया गया है? क्योंकि इन्होंने ब्लैक होल की पिक्चर ली थी। ठीक है, जो ब्लर्ड पिक्चर थी जो मैंने आपको दिखाई थी, ये ब्लैक होल की पिक्चर इसी टीम ने ली थी। ध्यान रहे, इनको इसके साथ रिवॉर्ड प्राइज मिला है, कितना? $3 मिलियन का रिवॉर्ड प्राइज भी इनके साथ मिला है। सो ये क्या नाम है इसका? इस टेलीस्कोप का नाम है इवेंट होराइजन टेलीस्कोप। यहां पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ब्लैक होल हमें कहां पर मिला था? ब्लैक होल M87 में हमें मिला था, मतलब मैसियर 87 गैलेक्सी में मिला था। और मैसियर 87 से अर्थ कितनी दूर है? ये है 50 मिलियन लाइट ईयर दूर। तो कहने का मतलब ब्लैक होल से हम 50 मिलियन लाइट ईयर दूर हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये अभी हाल ही में केबीसी में भी पूछा गया था, 50 लाख के क्वेश्चन में ये क्वेश्चन था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? इनका नाम है राजीव कुमार। सो फाइनली राजीव कुमार हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट इंडिया रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड। राजीव कुमार ने सक्सीड किसको किया? इन्होंने सक्सीड किया है अनिल भंसाली को। सो उम्मीद करता हूं सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे आज के। फर्दर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच। और 12 सितंबर से, 12th of September से अन अकेडमी पर नया GS का क्रैश कोर्स स्टार्ट हो रहा है। तो 2019 के जो भी एस्पिरेंट जिन्हें GS में दिक्कत है वो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करें। और सब्सक्रिप्शन लेने के लिए अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज करेंगे 777, तो इससे आपको 10% का डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।